मैं एसआर दारापुरी हूँ, मैं आई पी एस ऑफिसर हूँ और मैं क्षेत्र में खासतौर से सहारनपुर में पोस्टेड रहा हूँ और आईजी के पद से रिटायर हुआ हूँ। नौकरी में रहते जो सरकारी दायरे में कर सकते थे कायदे कानून में वो सबके लिए किया और नौकरी के बाद मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, पिछला पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ चुका हूँ और अगला भी लड़ना है और मैं दलित मुद्दों पर मानवाधिकार, भूमि अधिकार, भोजन का अधिकार, इन सब मुद्दों पर मैं बहुत से बाकी जो भारतवर्ष के ये कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर काम करता हूँ। ये जो चंद्रशेखर आजाद का जो मुद्दा है, मैं क्योंकि मैं सहारनपुर में पोस्टर रह चुका हूँ और उसी क्षेत्र का मैं सीओ भी रह चुका हूँ जिस क्षेत्र में चंद्रशेखर का गांव पड़ता है और बाकी जो जहाँ पर शब्बीरपुर में जो घटना हुई है वो क्षेत्र भी मेरे अधिकार में रहा है। ये जिस दिन जोगी जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की उसी दिन वहां पर के जो स्वर्ण लोग हैं जिनमें खास तौर से ठाकुर लोग हैं उन्होंने उस गांव के अंदर जो है वो जुलूस निकाला जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया और वहां पर ये कहा कि उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो योगी योगी कहना हुआ। यहां से ये शुरुआत हुई और खुलेआम चुनौती दी गई कि अब हमारी सरकार है, अब हम देखेंगे, अब हम आपको सिखाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर क्या होता है और आपके अधिकार क्या होते हैं और चमार क्या होता है। यहां तक कहा गया, ये शुरुआत जो है मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कहते लेने के दिन पर वहां पर होती है। वहां के दलित जो है उनका अपना रविदास मंदिर है, वो रविदास मंदिर के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते थे, अपने पैसे से लगा रहे थे, कोई सार्वजनिक चौराहे पर नहीं लगा रहे थे और वहां पर जो वहां के जो ठाकुर हैं उन्होंने, ठाकुरों को मैं नाम इसीलिए ले रहा हूं कि मुख्य तौर पर वहां पर दलितों पर जो हमला किया इस उप जाति ने किया, जबकि उस गांव में दूसरे लोग भी रहते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उनको कहा गया कि हम आपको यहाँ पर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगाने देंगे। दलितों ने चबूतरा बना लिया, उनको कहा गया अरे आप यहाँ अंबेडकर की मूर्ति लगाओगे वो उंगली इधर को करेंगे और तुम ऊंची मूर्ति लगाओगे हमें उसके नीचे से होकर गुजरना पड़ेगा, इसलिए हम कतई नहीं होने देंगे कि आप यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाओ। उनको कहा गया आप चबूतरा नीचा करो और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति चार दीवारी से नीचे लगाओ, ये उनके ऊपर दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा स्थान है, हमारा रविदास मंदिर है, हमारा प्रांगण है, हम जिस ऊंचाई की मूर्ति लगाना चाहते हैं वही मूर्ति हम लगाएंगे। वो मूर्ति ले आए परंतु वहां पर लोगों ने उनके खिलाफ प्रशासन को दरखास्त दे दी कि ये बिना अनुमति के मूर्ति लगा रहे हैं। अब आप पूछिए चौराहे पर मूर्ति लगानी हो तो मैं मानता हूं, मैं पुलिस अधिकारी हूं कि यहां पर आप अनुमति लीजिए, अगर मैं अपने घर के प्रांगण में मूर्ति लगाना चाहता हूं तो किसको अधिकार है तो वो मुझे आके रोके, परंतु शब्बीरपुर में रोका गया, शब्बीरपुर में रोका गया और प्रशासन को दरखास्त दी गई कि ये बिना अनुमति के मूर्ति लगा रहे हैं। तो ठीक है, वहां के दलितों ने झगड़ा नहीं किया, उन्होंने प्रशासन को दरखास्त दे दी कि हम ऐसे मूर्ति लगाना चाहते हैं, परंतु प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी। उसको जो है वहां के जो एमएलए थे उन्होंने एसडीएम को कहा कि आप इनको मूर्ति की इजाजत मत दीजिए। इस पर भी दलितों ने कोई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की जबकि अपने घर में वो मूर्ति लगा रहे थे। उसके बाद जिस दिन महाराणा प्रताप जयंती जो है वो निकलती है, वहां पर नंगी तलवारें लेकर जो है वो लोग निकलते हैं और महाराणा प्रताप की जाए, ठीक है आप करिए, किसी को क्या एतराज हो सकता है, आप महाराणा प्रताप को मानते हैं आप उसकी जाए करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु आके जब आप डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ रविदास मंदिर के सामने आप बुरे नारे लगाएंगे तो हमें उस पर आपत्ति है, हम उसका विरोध करेंगे। यही विरोध जो है वहां के दलितों ने किया। उस पर जो है पुलिस आई, उस समय पुलिस ज्यादा नहीं थी, पुलिस आई, पुलिस ने उस जुलूस को जो है वो वहां से निकाल दिया, वहां से निकाल दिया और वहां पर जो डीजे था, जो बिना अनुमति के जो डीजे चलाया जा रहा था, जो खो हल्ला हो रहा था, वहां के लोगों ने कहा कि आप बिना अनुमति के जुलूस निकाल रहे हैं, आप हमें जब हम मूर्ति लगाते हैं तो आप हमें अनुमति की बात कहते हैं, तो अब आप कैसे निकाल रहे हैं, आप डीजे कैसे आप बजा रहे हैं, आप डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ नारे कैसे लगा रहे हैं। इस पर जो है पुलिस ने उनका डीजे छीन लिया। इसको वहां के जो राजपूत है
महाराणा प्रताप वाले, उन्होंने अपमान समझा और वो पहले लड़के चले गए। उसके बाद एक बड़ी भीड़ में इकट्ठा होकर लौटे और आते ही उन्होंने एक तरफ से आग लगाना, तोड़फोड़ करना, पथराव करना, ये सारा शुरू कर दिया। उनमें से एक दंगाई लड़का जो कहते कि वहां मर गया, वो रविदास मंदिर के अंदर घुसा। उनके पास वो पूरी तैयारी के साथ थे। मेरी ये पूरी जानकारी है कि जब महाराणा प्रताप का जुलूस निकला था, जो मोटरसाइकिल थे उनके जो बैग लगे होते हैं उनमें पेट्रोल भरे हुए गुब्बारे थे, उनमें बोतलें थी। और पहले कहा गया था कि आज कुछ होगा, वहां के दलितों को खतरा था, पता चल गया था। दलितों ने प्रशासन को सूचना दी कि हमें खतरा है, आप आइए, सुरक्षा की व्यवस्था करिए। परंतु ना पुलिस पहुंची ना प्रशासन पहुंचा। वो बड़ी मात्रा में लौट के आए, आते ही उन्होंने तोड़फोड़ आगजनी करनी शुरू कर दी। अब वो ज्यादा संख्या में थे। जो लड़का मरा उसकी असलियत यह है कि रविदास मंदिर में घुसा, उसने वहां पर वो पेट्रोल का जो कुछ भी उनके पास था उसको डाला, रविदास संत रविदास की मूर्ति जलाई, उसको तोड़ा और काफी देर तक जहां मूर्ति लगी थी वो उसके अंदर रहा। और वो जो जलने का जो जहरीला धुआं था वो धुआं उसको चल गया। और जब वो उसमें से अंदर से बाहर निकला तो वो लुढ़क रहा था। उसके साथी जो है वो उसको मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं और ले जाते हैं। वो इतना ज्यादा जहरीला धुआं उसको चल चुका था कि वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो जहां महाराणा प्रताप का कार्यक्रम हो रहा था वहां घोषणा की जाती है कि फलां जगह के चमारों ने जो है हमारे एक साथी को मार दिया है। और वहां से पूरे जितने 2-3 हजार लोग थे सारे के सारे जो अपने कट्टे का जो भी उनके पास थे, तलवारें थी, जो कुछ भी था, पूरे के पूरे शबीरपुर पर हमला करते हैं। और वहां का एक एक दलितों का घर जो है उनको जलाया जाता है, तोड़ा जाता है। पुलिस वहां मौजूद थी, पहले पुलिस कम थी परंतु बाद में पुलिस आई। मैं पुलिस विभाग में 32 साल रहा हूं, मुझे इस बात पे शर्म आती है कि पुलिस की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ। ये पुलिस किसके साथ है, मैं सवाल करना चाहता हूं। जब इतनी बड़ी संख्या में आपके पास है, आप जरा से मजदूर प्रदर्शन करते हैं, स्टूडेंट प्रदर्शन करते हैं, आप डंडा चलाते हैं, आप गोली चलाते हैं, वहां आपका डंडा कहां गया था, वहां आपकी गोली कहां गई थी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। पुलिस की मौजूदगी में ये कितने घर क्यों जले, इसके पीछे मतलब क्या, मतलब क्या कि घर जलाने वाले वही लोग थे जो कि इस सरकार के साथ है। और दलित तो उनके लिए गैर है, दलित तो उनके लिए गैर हो गए। तो जो लोग सरकार के साथ है, जो दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो जोगी जोगी कहना होगा, तो वो लोग घर जलाने वाले थे। वहां ना पुलिस का डंडा चला, ना वहां पुलिस की गोली चली। वो 55-56 घरों को जलाते हैं। और मैं आपको बताऊं, बड़ी इस बात पे शर्म आती है कि वहां पर एक औरत की जो है छाती काटने की कोशिश की गई, उसने जो है इस तरह से हाथ करके अपने आप को बचाया। वहां औरतों की इज्जत लूटने की कोशिश की गई, वो घर से निकल के भागी, उनका पीछा किया गया। तो वहां पर इतना सारा तांडव हुआ। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है उससे भी ज्यादा शर्मनाक है इस सरकार के लिए। उसके बाद क्या होता है, दलितों की गिरफ्तारियां होती हैं और ठाकरों की गिरफ्तारियां होती हैं। शबीरपुर के दलितों ने जो कुछ भी कार्रवाई की आत्मरक्षा में की, उन्होंने ठाकरों पर हमला नहीं किया, राजपूतों पर हमला नहीं किया। परंतु जो कार्रवाई होती है उसमें 9 ठाकर गिरफ्तार किए जाते हैं, 9 दलित गिरफ्तार किए जाते हैं। 2 दलितों पर रास्ता लगा दिया जाता है और 2 ठाकरों पर रास्ता लगा दिया जाता है। ये कहां का न्याय है, ये कौन सी पुलिस है, जो पीटे वो भी जेल जाए, उसके ऊपर भी रास्ता लगे और जो पीटे वो भी उसके बराबर हो जाए, ये कौन सा न्याय है, ये पुलिस कौन, किसकी पुलिस है, ये क्या कर रही है। जबकि जो कुछ हुआ शबीरपुर में पुलिस की मौजूदगी में हुआ, पुलिस की नाकामी में हुआ और मैं कहूंगा पुलिस की मिली भगत से हुआ। मेरा ये आरोप है, सरकार इसका जवाब दे। उसके बाद क्या होता है कि जब सरकार कोई उनके लिए मुआवजे की घोषणा हो जाती है, जो लड़का खुद आग लगाते हुए जहरीली गैस से मर जाता है उसके लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा हो जाती है, परंतु दलितों के लिए कोई घोषणा नहीं होती। जब लोग मांग करते हैं, चंद्रशेखर उसके साथी जा वो मांग करते हैं, सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि आप न्याय करिए, आप इनको सबको जो है आप उचित इलाज की व्यवस्था करिए। और इसको लेकर जब वो मीटिंग करना चाहते हैं
कि हम आगे की मीटिंग, उन्होंने पहले अल्टीमेटम दिया था कि आप इतने दिन तक आप करिए वरना हम करेंगे, वो मीटिंग करते हैं, मीटिंग नहीं करने दे जाती, लाठियां बरसाई जाती हैं, उसमें आपस में टकराव होता है, इस बात को मैं मानता, परंतु जब आप हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, इस तरह से मीटिंग करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना हमारा अधिकार है, तो आप हमें नहीं उठाने देंगे तो क्या हम नारा नहीं लगाएंगे, क्या हम विरोध नहीं करेंगे? तो यही विरोध जो है चंद्रशेखर और उसके साथियों ने किया, उनको इतने 34-35 भीम आर्मी के लोग गिरफ्तार कर लिए गए।